हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई टीम 11 की बैठक, कोटा से आ रहे छात्रों के मेडिकल चेकअप के साथ उनके रहने की व्यवस्था पर हुई चर्चा। डीएम ने कहा न होने पाए कोई चूक। जनपद न्यायाधीश के नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा चंद्रलोक कुष्ठ आश्रम में वितरित किया गया भोजन का पैकेट व नगद धनराशि। जिला जज ने कहा लॉकडाउन में कोई न सोए भूखा, यही है हमारा प्रयास। बेलीपार के हदिया गांव की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की आत्महत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हुआ सनसनीखेज खुलासा। मामला आशनाई का। एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जांच कर की जा रही है आगे की कार्रवाई। डीएम और एसएसपी ने किया सहजनवा में बने विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कहा कोटा से आ रहे बच्चों के मेडिकल जांच के साथ उन्हें रहने की हो व्यवस्था, साफ सफाई पर रहे विशेष ध्यान। सराफा रेजिडेंसी में लॉकडाउन का उल्लंघन कर पार्टी मना रहे लोगों पर कैंट पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। सीओ कैंट ने बताया की जा रही है विधिक कार्रवाई। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए एसबीआई ने गोरखपुर पुलिस को दिए 10,000 मास्क। एसएसपी ने आरटीसी का निरीक्षण कर रिक्रूटों को वितरित किए मास्क, दिए कोरोना से बचाव की जानकारी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वनटांगिया गांव में सभी कार्ड धारकों को बांटा गया निःशुल्क प्रति यूनिट 5 किलो चावल, जिससे लॉकडाउन में लोगों को हो सके मदद। लॉकडाउन के दूसरे चरण में शनिवार को महेवा मंडी में थोक आलू और प्याज के दामों में आई भारी गिरावट, अधिक आवक से लड़खड़ाया बाजार। कोविड 19 को हराने में महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह का प्रयास निरंतर है जारी। लोगों में लगातार किया जा रहा है लंच पैकेट, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण। जलकल की टैंक से नगर निगम करा रहा है सड़कों और गलियों को सैनिटाइज, जिससे लग सके कोरोना संक्रमण पर लगाम। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए वनटांगिया गांव को दिन में 2-2 बार किया गया सैनिटाइज, प्रधान प्रतिनिधि देवेंद्र कुमार ने दी जानकारी। और लॉकडाउन के दौरान शनिवार को भी महानगर की सभी सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। प्रमुख चौराहों पर नाकेबंदी कर पुलिस ने की कार्रवाई, बेवजह घूमने वालों को बैठाया घेरे में।